दोस्तों आज हम बहुत ही कमाल धमाल की अनोखे तरीके की शानदार मशीनों को देखने वाले हैं। ये मशीनें बहुत ही पावरफुल और हाई टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई गई हैं, जो कि बहुत ही सेटिस्फाइंग तरीके से और बहुत ही अनोखे तरीके से कार्य करती हैं। इन मशीनों को देखकर आप बहुत ही हैरान होने वाले हो, तो फिर चलो करते हैं हमारी कमाल धमाल की वीडियो को स्टार्ट। रोड पर गिरे हुए बहुत सारे पत्तों को साफ करने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है, जिसमें से बहुत ही तेज गति से हवा निकलती है। वायर्स में से ऊपर वाले रबर बैंड को हटाने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है। यह एक ऑटोमेटिक मशीन है जो कि अपने आप ही बहुत सारे डोसों को एक ही बारी में बना देती है। लिफ्टिंग क्रेन के द्वारा बहुत सारी कॉटन को एक ही बारी में ट्रक पर से उतार दिया गया। इस सिंपल टूल की मदद से हम किसी पाइप को बहुत ही आसानी से बैंड कर सकते हैं। बहुत सारे टी शर्ट बनाने के लिए बहुत सारे कपड़े के गट्ठे को एक ही बारी में इस मशीन के द्वारा काटा जाता है। इस मशीन के अंदर हम जो कुछ भी डालेंगे उसका जूस बनकर तैयार हो जाएगा। इस मशीन के अंदर बहुत ही तेज गति से घूमता हुआ श्रेडर लगा हुआ होता है, जो कि किसी फल या सब्जी को बहुत ही आसानी से पीस देता है। रोड पर सफेद पट्टी बनाने के लिए इस मशीन के द्वारा कलर का स्प्रे किया जाता है। यह मशीन ओनली कुछ सेकंड्स में ही जमीन के अंदर होल कर देती है। इस टूल का यूज करके हम छत पर जमी हुई बर्फ को बहुत ही आसानी से उतार सकते हैं। यह मशीन रोड के बैरियर्स को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने का कार्य कर रही है। यह टूल तो बहुत ही शानदार है, जिससे हम किसी भी बेल को कहीं पर भी बहुत ही आसानी से बांध सकते हैं। बरस पर लगे हुए एक्सेस पेंट को रिमूव करने के लिए इस टूल का यूज किया जाता है, जिससे कि बरस का अंदर का सारा पेंट बाहर निकल आता है। हमारी पैंट्स और बैग्स वगैरह में लगने वाली चेन्स को कुछ इस तरह बनाया जाता है। यह एक बड़ी सी बकेट है, जिसके ऊपर ये बहुत ही बड़े बड़े ब्लेड्स लगे हुए हैं, क्योंकि आसपास की सारी मिट्टी को इस बकेट के अंदर डाल देते हैं और फिर इस बकेट को बाहर निकाल कर इसके अंदर की मिट्टी को भी बाहर निकाल लिया जाता है। यह मशीन बहुत ही पावरफुल है, जो कि किसी भी चीज को नहीं बकसती है और हर चीज को बिल्कुल निचोड़ के रख देती है। यह मशीन स्पेशली चिप्स फैक्ट्री के लिए बनाई गई है, जो कि आलू के छिलकों को बहुत ही आसानी से बहुत ही तेज गति से उतार देती है। यह मशीन वायर्स के बंडल बनाने के लिए काम आती है, जो कि बहुत ही कम समय में बहुत सारे बंडल्स बना सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल का यूज करके कुछ इस तरह इस पाइप को गर्म करके मोड़ दिया गया। इस राइडर में इस मोटर बाइक को डालकर इसके बहुत सारे पीसेस कर दिए गए। इस मशीन के द्वारा खराब हुई यूरियल की पटड़ियों को उखाड़ा जाता है व उनको एक जगह पर इकट्ठा करके रख दिया जाता है। इसी तरह यह मशीन भी खराब हुई यूरियल की पटड़ियों को उखाड़ने के लिए काम आती है।
यह मशीन पटरियों के नीचे लगे हुए पिलर्स को निकालती है व इनको एक जगह पर फेंक देती है। इस मशीन के द्वारा गर्म शरीर को बार बार हिट करके डिजायर शेप में बदला जाता है। लंबे वायर्स को इस राउंड कार्डबोर्ड पर रोल करने का कार्य करती है यह मशीन। इस मशीन के द्वारा बहुत सारी फल व सब्जियों को बहुत ही तेज गति से पीसा जा सकता है। यह शर्टर मशीन इस ऑब्जेक्ट को तोड़ मरोड़ कर बिल्कुल इसका कचरा ही बना देती है। यह मशीन बड़े बड़े पत्थरों को पीस कर छोटे छोटे पत्थरों में बदल देती है। गर्म लोहे पर हैमर से बार बार हिट करके उसको जैसी शेप देना चाहे वैसी शेप दी जा सकती है। यह नट बोल्ट जर की वजह से यहाँ पर जम गया है, तो पहले तो इसको ऊपर से काटा गया व बाद में इसको जड़ से ही उखाड़ दिया गया। यह मशीन बड़ी बड़ी लकड़ियों को पीसने के लिए काम आती है वह उनका बुरादा बना देती है। जरे हुए मेटल को बिल्कुल नया निकालने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है। वायर्स को मशीन में डालना बहुत ही आसान कर दिया है इस मशीन ने। यह मशीन डिस्क में होल करने का कार्य करती है। यह बहुत ही पावरफुल मशीन है जो कि लकड़ी के गट्ठों को बहुत ही आसानी से भागों में बांट सकती है। किसी भी मेटल में नट बोल्ट खोलने बैठने के लिए जगह कुछ इस प्रकार बनाई जाती है। ब्रशेस को क्लीन कुछ इस तरह इस मशीन के ब्लेड के द्वारा किया जाता है। यह बहुत ही बड़ी हार्वेस्टिंग मशीन सभी कार्यों को एक ही समय में कर देती है। यह फसल काटने के साथ साथ उनको ट्रकीज में लोड भी कर देती है। इस ब्रश की मदद से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पर एक ही बारी में कलर कर दिया जाता है। बहुत सारे वर्कर्स का कार्य यह मशीन अपने आप खुद ब खुद अकेले ही कर देती है। यह मशीन रॉ मटेरियल को लेवल करने के लिए बनाई गई है। ऑनियंस को काटने के लिए यह एक बहुत ही शानदार सी मशीन बनाई गई है। गर्म लोहे से चेन्स कुछ इस प्रकार बनाई जाती है। यह मशीन बहुत सारी फसल को एक ही बारी में काट देती है तो उसको ट्रक में लोड भी कर देती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड भाई को सपोर्ट करने के लिए वैसे ही शानदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर करना मत भूलना।